तो आज की इस वीडियो में बहुत खतरनाक सीन होने वाले हैं। एक बंदा मेरे मुंह के सामने से गाड़ी लेके जाने वाला है, तो क्या हम उसको गाड़ी लेके जाने देंगे या नहीं, देखते आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैं उतरता हूँ क्लॉक टावर में, और उतरते ही मेरे को मिल जाती है एक बंदूक। बंदूक से मेरा मतलब गन, गन से मेरा मतलब बंदूक। और यहाँ पर जैसे ही मेरे को गन मिलती है, यहाँ पर मैं बंदूक की तलाश में इधर उधर फिरने लगता हूँ। और यहाँ पर सामने मेरे को एक बंदा दिखाई देता है, मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन वो बंदा मेरे हाथों से बच जाता है। क्या मैं उस बंदे को मार पाऊँगा और मैं ले पाऊँगा उसकी किल, या मैं दूसरे बंदे को निपटाऊँगा, इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ चलते हैं। लेकिन मेरे को पता था कि सामने बंदे हैं, तो मेरे को पहले लूटा लाठी करनी पड़ेगी, जिससे कि मेरे पास थोड़ी बहुत गन्स हो और मैं बंदों को आराम से मार पाऊँ। सो यहाँ पर मैं बहुत सारी लूट करूँगा, बहुत सारी तो नहीं लेकिन लूट करूँगा। हाँ, मैं लूट करूँगा यहाँ पर। यहाँ पर मेरे को सामने बंदा दिखाई देता है और मेरे हाथ में रॉकेट लॉन्चर, सो मैं रॉकेट फायर कर देता हूँ बस। लेकिन वो बंदा ठिलके नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों नहीं ठिल रहा। और यहाँ पर सामने मैं देखता हूँ कि कोई बंदा तो नहीं है, और यहाँ पर साथ में लूट करता हूँ, लेकिन मेरे को कोई बंदा नहीं दिखाई देता। और यहाँ पर मैं गन चेंज करता हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को बंदा नहीं ढिला पाया मैं, कोई भी बंदा। अब यहाँ पर मैं बहुत देर तक इधर से उधर घूम रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एकदम से एक बंदा आता है और मैं उसको मारता हूँ। उसको नॉक करने के बाद एकदम से एक और बंदा, भाई साहब यहाँ पर मैं आकर बूबोम की एबिलिटी का नाजायज फ़ायदा नहीं उठाता, तो यहाँ पर मेरी क्रेट बन चुकी होती। और यहाँ पर जैसे मैं लूट रहा हूँ इनकी क्रेट, वैसे ही ये लोग लूट रहे होते मेरी क्रेट। बाल बाल बचा मैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं लगाता हूँ मेडकिट, और शांति से मैं और बंदों का इंतज़ार करता हूँ। मेरे को लगता है कि और बंदे आएंगे, और बंदों की पेटी बनाऊँगा, लेकिन अभी तक कोई बंदा नहीं आगे दे रहा। क्या कोई बंदा आएगा? क्या आएगा कोई बंदा पिटने के लिए? मेरे से पिटो कोई बंदा आके। लेकिन नहीं, कोई बंदा नहीं आ रहा। सो लगता है मेरे को ही बाहर जाना पड़ेगा लठ लेके। और जब मेरे हाथ में लठ होता है, तो भाई एक एक बंदों की कुटाई होती है, बहुत जोरों से कुटाई होती है। सामने मेरे को एक बंदा दिखाई देता है, लेकिन अभी देखते हैं क्या करता हूँ मैं उस बंदे के साथ। नहीं दिख रहा अभी बंदा मेरे को, नहीं दिख रहा। यहाँ पर मेरे को बंदा सामने इधर दिखाई देता है, और यहाँ पर मैं उसको मारता हूँ, लेकिन बंदा बचने की कोशिश में। और यहाँ पर उसने ग्लू वॉल लगाया, लेकिन मैंने यहाँ पर साइलेंसर लगाया हुआ था, सो मेरे को लगता है उसको आवाज़ नहीं आई कि गोली चल किधर से रही है। सो वो कन्फ्यूज हुआ और उसने गलत जगह ग्लू वॉल लगा दिया, जिससे कि वो मारा गया। और सामने एक और बंदा है, क्या मैं उसे मार पाऊँगा या वो मेरी पेटी लूटेगा? देखते हैं क्या वो बंदा मेरे को मारेगा या मैं उस बंदे की पेटी लूटूंगा। तो यहाँ पर हाथ में लठ लेके मैं चल पड़ता हूँ बंदे की तलाश में। यहाँ पर सामने ही बंदा खड़ा है, मैं जैसे रिएक्ट करूँगा, लेकिन बंदा खिड़की पे है। खिड़की वाले बंदे को क्या मैं मार पाऊँगा? क्या मैं उस बंदे की पेटी लूट पाऊँगा? देखते हैं। सामने बंदा, मेरे हाथ में गन, बंदा खिड़की से झाग ही नहीं रहा है। मैंने इतना गंदा डैमेज दिया है उसको, वो झाग ही नहीं पा रहा है खिड़की से। सो मैं पीछे जाता हूँ, मेरे को पता है अगर मैं उस खिड़की से झाँकूँगा तो मेरी मौत पक्की है। तो मैं रोटेशन लेके जा रहा हूँ यहाँ पर, कि उस बंदे को आराम से रोटेशन लेके मार सकूँ। तो यहाँ पर मैं रोटेशन ले रहा हूँ, लेकिन क्या मैं उस बंदे को मारूँगा? यहाँ पर एकदम से मेरे को आवाज़ आती है, और यहाँ पर बहुत बहुत खतरनाक सीन होने वाले हैं। मेरे मुंह के सामने से एक बंदा गाड़ी लेके जाने वाला है, और मेरे को चिढ़ा के जाता है, पूरा चिढ़ा के जाता है कि मैं तेरे सामने से गाड़ी लेके जा रहा हूँ। सो हम उस बंदे का इलाज करेंगे, बहुत तगड़ा इलाज करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बंदे की गोली चलाने की आवाज़ आई थी, सो हम उस बंदे की तलाश में चले जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कोई बंदा है या नहीं। सो यहाँ पर सामने मेरे को एक बंदा दिखाई दे रहा है, सो मैं उस पर गोली फायर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये ग्लू होल से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। मेरे को नहीं पता यार ये ग्लू होल का नाजायज़ फ़ायदा कैसे उठा लेते हैं, पता नहीं क्यों इतना नाजायज़ फ़ायदा कैसे उठा रहे हैं ग्लू होल का। तो यहाँ पर मेरे को सामने ही बंदा लग रहा है कि वो सामने ही होगा, और मैं उसकी ताक में बैठा हूँ कि कैसे कब वो बंदा निकले और मैं कब उसकी बैंड बजा दूँ। लेकिन बंदा निकल के ही नहीं दे रहा, बहुत ढीठ बंदा है, तो मेरे को ही जाना पड़ेगा सामने। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ बहुत प्यार से, यहाँ पर मैं अपनी बंदूक और ग्रेनेड के साथ तैयार हूँ। क्या मैं ग्रेनेड से मारूंगा? लेकिन मैं क्या देखता हूँ, बंदा मेरे सामने से ही गाड़ी लेके निकल गया।
अब उससे बदला लेंगे मेरे को उल्लू बनाने का, चीट करने का मेरे को। तो यहाँ पर मैं गाड़ी के पीछे मुंह हाथ धो के पड़ जाता हूँ और मैं पूरी तरह से उस गाड़ी का पीछा कर रहा हूँ। क्या मैं उस गाड़ी को मार पाऊँगा? और यहाँ पर मैं उस पर गंदा स्प्रे करता हूँ और यहाँ पर वो नोक। तो यहाँ पर मैं गाड़ी से ही उस बंदे को निकाल देता हूँ। उस बंदे को गाड़ी से निकालने के बाद भाई जो चोट थी ना, मज़ा ही आ गया, स्वाद ही आ गया मेरे को कि क्या ही निकाला मैंने गाड़ी से। और यहाँ पर मैं उस बंदे के पास जाता हूँ, मेरे को लगता है कि वहाँ पर दो बंदे होंगे क्योंकि यहाँ पर मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड, लेकिन वहाँ पर एक बंदा ही होता है। सो यहाँ पर मैं उसकी पेटी बनाता हूँ और पेटी बनाने के बाद मैं उसे लूट लूँगा पेटी को बहुत अच्छे तरीके से। एक एक चीज़ लूटी जाएगी पेटी में से क्योंकि बहुत मेहनत करी है मैंने इस बंदे को मारने के लिए। कहीं भी मैंने उसके ग्लूहोल को फोड़ा, कहीं मैंने उसकी गाड़ी को फोड़ा, कहीं मैंने उसको फोड़ा। तो यहाँ पर मैं उसको लूटूंगा, अच्छे से लूटूंगा, बहुत ज़्यादा लूटूंगा। और लूटने के बाद हम चल पड़ेंगे आगे और बंदों की तलाश में। और सामने मेरे को एक बंदा दिखाई देता है और यहाँ पर हम क्या उस बंदे को मारेंगे? हाँ, हम उस बंदे को मारेंगे, लेकिन वो बंदा ही बहुत चालाक है, बच रहा है हमारे से। तो यहाँ पर मैं फोड़ दे मार देता हूँ ग्लू वॉल क्रैकर, जिससे ग्लू वॉल फूट जाए। लेकिन बंदा यहाँ पर हार्ड कवर ले लेता है और मैं उसको बहुत मारने की कोशिश करूँगा। क्या मैं उसे मार पाऊँगा? यहाँ पर दोबारा से मैं ग्लू वॉल तोड़ने वाला लगा मार देता हूँ, लेकिन नहीं पता क्यों मारता हूँ मैं इस बंदे के पास। और यहाँ पर मेरे को पता था कि अब वो बंदा भी इस साइड से भागने वाला है। सो मैं ऊपर चला जाता हूँ और उस बंदे का इंतजार करने लगता हूँ, बहुत प्यार से इंतजार। और यहाँ पर मेरे पास एक ये नेड़ होता है, इसे लैंडमाइन कहते हैं। हाँ, मेरे को ही पता है लैंडमाइन कहते हैं, भूल गया था मैं थोड़ी देर के लिए, एकदम से याद आ गया मेरे को कि इसे लैंडमाइन कहते हैं। सो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ लैंडमाइन को और साथ ही में यहाँ पर जॉन बाबा भी हमारे को तंग करने के लिए आ गए। सो यहाँ पर मेरे को बंदों की आवाज़ आ रही थी, फुट स्टेप्स आ रहे थे बंदों के। और यहाँ पर मैं जैसे ही इधर हुआ, बस बंदा पता नहीं पीछे से कब कैसे कहाँ से, मेरे को नहीं पता कि कब आ गया वो पीछे। सो यहाँ पर मैं उस बंदे को खिलाता हूँ, पेटी लूटता हूँ और अब हमारे को जोन कवर करना है, बंदों से बचना है, बुइया लेना है, तीन से चार काम करने हैं हमारे को। दूर मैं चल पड़ता हूँ जोन को कवर करने के लिए, लेकिन यह इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि ये दूसरा या तीसरा जोन है जो कि बहुत डैमेज देता है और मेरे पास इतना हेल्थ भी नहीं है कि मैं अपने आप को बचा पाऊँ। तो यहाँ पर मैं जोन को कवर करने लगता हूँ और बंदे को भी देखता हूँ क्योंकि यहाँ पर दो बंदे थे, एक उसमें से भाग गया सामने और एक मेरे पास आया था जिसकी कि हमने पेटी बना दी। और यहाँ पर मैं जाता हूँ, सामने मेरे को एक बंदा दिखाई देता है। यहाँ पर मैं एकदम से ग्लू वॉल लगाऊंगा क्योंकि मेरे को सामने बंदा दिखाई देगा। देखते हैं क्या मैं उस बंदे की पेटी बनाता हूँ। बंदा गाड़ी से भागने की कोशिश में था लेकिन गाड़ी तो फूटी पड़ी है। सो हम उस बंदे को बहुत मारेंगे, बहुत गंदे वाला मारेंगे। और आजकल मेरे नेड़ थोड़े महंगे हो गए हैं, जहाँ फेंकता हूँ वहीं जाते हैं थोड़ा। सो यहाँ पर एक बंदे की पेटी बनाएंगे कवर फायर देने के साथ। यहाँ पर उस बंदे की पेटी बनाने के बाद हम चल पड़ेंगे जोन की तरफ क्योंकि भाई अगर हमने जोन कवर नहीं किया तो जोन हमारी पेटी बना देगा और मैं ये नहीं चाहता कि जोन हमारी पेटी बना दे। हाँ, मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अगर बंदा मेरी पेटी बनाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे को, लेकिन अगर भाई साहब जी मैं गलती से भी जोन में टिल गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा कि मैं जोन से टिलाऊँ, नहीं माफ़ कर पाऊँगा। सो यहाँ पर सामने बंदा है, मेरे हाथ में गन है, क्या मैं उस बंदे को मार पाऊँगा? देखते हैं क्या मैं उस बंदे को ठिला पाऊँगा। यहाँ पर अभी भी बहुत बंदे रह रहे हैं। सो मेरे को पता था कि सामने ही बंदे हैं, थोड़ा रोटेशन लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो बंदे सामने से जाऊँगा तो सामने से एकदम से धप्पा देंगे और साथ ही साथ मेरे को फिनिश कर देंगे। और मेरे को घंटा नहीं पता लगेगा कि कहाँ से आए बंदे और कहाँ को चले गए। सो इसी के साथ मैं बंदों पर फायर करना शुरू करता हूँ और यहाँ पर मेरे को पता लगता है कि बंदे लेफ्ट और राइट में हैं। सो मैं क्या करूँगा? सो मेरे को दो से तीन बंदे को मारना है अभी। तो मैं यहाँ पर अभी कवर में बैठा हुआ हूँ बहुत प्यार से। यहाँ पर मेरे को सामने बंदा दिखाई देता है, मैं कवर तोड़ता हूँ, फिर फायर करता हूँ, फिर कवर में बैठ जाता हूँ। यही चलता है मेरा, बहुत देर तक यही चलता है। सो यहाँ पर मेरे को अब जोन भी कवर करना है और बंदों से बचना है, तो मैं रोटेशन लेता हूँ, बहुत आराम से रोटेशन लेता हूँ क्योंकि बंदे सारे नीचे ही है। सो मेरे को यहाँ पर रोटेशन लेनी पड़ेगी जिससे कि मैं
बंदों से बच पाऊँ। सो यहाँ पर मैं रोटेशन लेता हूँ और मैं बंदों से बचने की बहुत बहुत बुरी कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं बच भी जाता हूँ बंदों से, लेकिन अब मेरे को जोन कवर करना था। सो क्या मैं जोन कवर कर पाऊँगा और साथ में इन बंदों को भी लुढ़का पाऊँगा या नहीं, देखते हैं आगे वीडियो में। यहाँ पर सामने दो बंदे हैं, मेरे पास गोलियाँ हैं, मैं बंदों पे फायर करता हूँ, लेकिन बंदे ठिलके नहीं दे रहे। बंदे मेरे पे रश करना चालू कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा दिमाग लड़ाता हूँ और यहाँ पर मैं माइंड सेट कर देता हूँ, जिससे कि एक बंदे को डैमेज पड़ता है, दूसरा बंदा मेरे पे रश कर देता है और यहाँ पर मैं मर जाता हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर मेरा खेल ख़त्म।